आज के दिन यूपी के अयोध्या जिला में युवक कांग्रेस के सचिव शरद त्रिपाठी ने प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर शासन प्रशासन के सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि अगर प्रशासन जल्द ही दर्ज करवाए एफआईआर या फिर उचित और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। जिन्होंने कहा कि जैसे ही सूत्रों से पता चला है कि वसीम रिजवी ने 2 दिन बाद फिर से अयोध्या आने वाले हैं और अगर यहाँ फिर से शहर में घुसते हैं तो हमारे सारे युवा कांग्रेसी उनका जूतों और चप्पल से स्वागत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जानबूझकर फिल्म में रिलीज की तारीख के पहले 29 मार्च रखी गई है, जिसके लोगों को भावना भड़काने का कर रहे चुनाव पर उसका असर पर डाला जा सकता है। उसके कहा कि फिल्म की पूरी पटकथा जिस पृष्ठभूमि पर आधारित है वह काफ़ी संवेदनशील है, जिससे समाज का माहौल खराब हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है और प्रियंका गांधी वांद्रा शुक्रवार को लेकर उन्हें भी पार्टी द्वारा की जा सकती है तैयारी पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि लगभग 11 बजे प्रियंका गांधी की काफिला जिले की सीमा में प्रवेश करेगा। उसके स्वागत की रोड शो की तैयारी में लगभग पूरी कर ली है और जिसके जनपद में प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर लोगों ने उत्साह दिखाया है कि जिससे साफ पता चलता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में न फिर सिर्फ हमारा नेता निर्मल खत्री फैजाबाद लोकसभा सीट से भारी बहुमत से जीतेगा बल्कि कांग्रेस की बड़ी संख्या में सीटों का जीतकर केंद्र में सरकार बनाने का भी काम करेंगी। ऐसे ही समय में हमारे रिपोर्टर राजेश चौरसिया द्वारा खास कवरेज की गई और वो दलाली करना बंद करें और अपने आप को हाईलाइट करना बंद करें। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं और आप कितनी बड़ी हैसियत नहीं है कि आप देश के इतने बड़े नेता प्रियंका गांधी जी को आप असौनी भाषा का प्रयोग करें, ये आप पर शोभा नहीं देता है। आप एक सिया वक्फ बोर्ड के आप एक चेयरमैन हैं, कैसे आप चेयरमैन बना दिए गए? और मुझे लगता है कि चेयरमैन पद बनाने के लिए बचा रहे उसके लिए आप तमाम प्रकार के हथकंडों का आप प्रयोग कर रहे हैं, इसमें भाजपा एसएस भी शामिल है। जी करण भाई, वसीम रिजवी जो कहा वो तो निंदनीय है। जी जी, प्रधानमंत्री चोर है। जी ये क्या प्रधानमंत्री चोर है? किसी संवैधानिक पद पर बने हुए व्यक्ति को आप चोर कहते हैं, ये कौन सी संसदीय प्रणाली? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, चौकीदार चोर है। चौकीदार, आखिर उन्होंने बताया ना मैं चौकीदार हूँ। आप देखिए, चौकीदार चोर है, मैं फिर कहता हूँ चौकीदार चोर है। दिग्विजय सिंह ने कहा जयंती नटराजन को 100% पंचमाल है, तब आप कहा थे, तब का नहीं पूछे, तब भी तो आपको विरोध करना चाहिए, तब तो एक बार आपने न कांग्रेस की न कांग्रेस ने इस पर कोई बयान दिया, कोई नहीं कहा, तो वो सही था? नहीं नहीं, ऐसे कैसे होता है? ऐसे कांग्रेसी की तो मैं आपको ऐसे छोटे नेता नहीं, नहीं छोटे नेता नहीं है बिल्कुल। और उन्होंने कहा 100% पंचमाल है जयंती नटराजन, आप बताओ। मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो बहुत पुराना मैटर था, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अरे प्रियंका गांधी बड़ा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, विचारधारा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए। और रही बात महिलाओं को, मैं किस सबको कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं किसी कांग्रेसी या किसी को कह रहा हूँ, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि महिलाओं बेटियों का सम्मान करना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, किसी भी पार्टी का हो, दूसरी पार्टी के नेताओं महिलाओं को या किसी भी व्यक्ति को उसको सम्मान करना चाहिए, उसको इज्जत देना चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन कभी भी व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए। राजनीति का स्तर इतना गंदा नहीं होना चाहिए कि समाज में, समाज जो नई युवा पीढ़ी है जो राजनीति में आने के बारे में भी सोचते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो इससे घबराते हैं कि हमारा उनसे संबंध खराब हो जाएगा। तो अच्छी राजनीति करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी एक नई कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं समीर साहब, अब ये राहुल गांधी जी की और प्रियंका गांधी जी की नई कांग्रेस है, अब नए सिरे से काम हो रहा है और नए तरीके से काम होगा और सारे युवा साथी जितने हैं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार बनने जा रही है और फैजाबाद लोकसभा समिति सीट से हमारे नेता निर्मल खत्री जी सांसद होने जा रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वसीम रिजवी जी, उन्होंने कल प्रेस वार्ता में हमारे राष्ट्रीय महासचिव
श्रीमती प्रियंका गांधी जी पर जो अभद्र भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया है उसके खिलाफ फैजाबाद यूथ कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी ने उनके खिलाफ कोतवाली नगर में कल तहरीर दी, जिसके पश्चात रात में मुकदमा दर्ज हुआ। और यूथ कांग्रेस के साथ साथ जो कांग्रेसी जन हैं उनकी इस असौमी भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और साथ साथ हम ये मांग रखते हैं शासन प्रशासन से कि इनके खिलाफ़ गंभीर धाराओं में लगाकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज तो हो ही गया है, लेकिन इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का भी काम करें। अगर शासन प्रशासन इसमें कोई हिलावाली करता है तो कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता जन सड़क पर उतर के और उसका आंदोलन करेंगे, और जो वसीम जी के लिए बहुत ही शुभ संकेत नहीं होगा। जो आप फिल्म की बात कर रहे थे, फिल्म में जब प्रसारित होगी और यहाँ लगाई जाएगी, आगे पर विरोध पत्र की बात चाहिए थी जी, तो पूरा मामला क्या कहना है? देखिए, ऐसा है जो कि अभी जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनकी फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो वसीम रिजवी जी उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं इसलिए और उन्होंने कल अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो इसको ध्यान रखते हुए हम इसलिए फिल्म रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फिल्म है, जो उसकी फिल्म की जो पृष्ठभूमि है, जो उसकी पटकथा है, वो मुझे लगता है कि समाज में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का काम कर सकती है। वो फिल्म और इलेक्शन का माहौल है, मुझे लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन भी होगा अगर वो फिल्म रिलीज होगी तो, क्योंकि वो फिल्म हिंदू मुस्लिम के देखते हुए और राम मंदिर के मुद्दे पर फिल्म बनाई गई, तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन तक उस फिल्म को रिलीज होने दिया जाए। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी फैजाबाद की अगर मैं बात करूँ, फैजाबाद में इस फिल्म को रिलीज़ होने नहीं देंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ जाए वो हम लोग करेंगे, और साथ साथ यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी, यहाँ के शासन प्रशासन से भी हम इसकी मांग रखते हैं कि फिल्म को रिलीज़ न होने दिया जाए, क्योंकि इससे माहौल बिगड़ सकता है। दूसरी बात, कल आपके जो है प्रियंका गांधी जी यहाँ बना रही हैं जी, में सबसे पहला उनका नुक्कड़ सभा होगा, उसके बाद नहुआ धुआं पे चौपाल लगेगी, फिर वहाँ से घनश्याम त्रिपाठी जी के ऊपर 20 पॉइंट लगभग टोटल हैं, और महानगर में 20 पॉइंट टोटल बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नवीन मंडी में सबसे पहले उनका आगमन होगा, नवीन मंडी से फिर नाका मकबरा से जीआईसी को ओवरब्रिज होते हुए फतेहगंज से फिर सुभाष नगर होते हुए चौक बजाजा, चौक से फिर रीडगंज से फिर इधर आपके आईटीआई आपका अस्पताल आईटीआई होते हुए फिर सीधे अयोध्या में हनुमान जी के दर्शन करने का स्वागत समारोह कहाँ किया गया, कैसे क्या होगा उनका स्वागत समारोह भी कर रहे होंगे? जितने भी पॉइंट शहर में बने हैं हर पॉइंट पे यूथ कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे, जिनके नेतृत्व में आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। जिस तरह से जो अन्य पार्टियाँ हैं जहाँ पर नहीं किसी का, और उनके आने से सब महान भी नाराज हैं और बहुत सी बातें उठ रही हैं, अब हम तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत महात्माओं का हम बड़ा सम्मान करते हैं, कल वसीम रिजवी जी ने इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, और वो आरएसएस और भाजपा के तो दलाल हैं वो तो। ऐसी स्थिति में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, हम लोग को बड़ा कष्ट इस बात का भी है कि अभी तक हमारे संत महात्माओं का कोई इस पर बयान नहीं है। हम कहते हैं वसीम रिजवी जी की कल पत्नी भी अगर फैजाबाद में आती, उनकी बहू या बेटी भी अगर फैजाबाद में आती, तो हम कांग्रेसी जन उनका भी सम्मान करते हैं। हमको उनकी पत्नी से या उनकी बेटी से मुझे दिक्कत नहीं है, हम उनका कांग्रेसी हैं, हम लोग उनको भी प्यार से सम्मान करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन भाजपा के किसी भी नेता का या किसी भी संत महात्मा का अभी तक इस भाषा इस मुद्दे पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और रही दवा श्रीमती प्रियंका गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी भी आ चुकी हैं, और जैसा कि कुछ संत महात्माओं ने कहा है कि जब जब भी कोई भी अयोध्या में आता है तो सबको आशीर्वाद मिलता रहा, तो ऐसा नहीं कि चुनावी स्टंट के लिए ऐसा कुछ प्रियंका जी ने किया हो कि चुनाव आ रहा है इसलिए मैं अयोध्या जा रहे हैं। वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, 42-43 जिलों का उनको प्रभार दिया गया, तो हर जिले में अब जाएंगे, चुनाव का समय है, तो कई ऐसा नहीं कि अयोध्या में पहली बार, कल तो पहली बार आ रही है, लेकिन अभी कई सारे दौरे उनके यहाँ प्रस्तावित, अभी कई बार रैली को अभी आयोजन होगा, तो कई बार आएंगी, वो दर्शन भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं हम लोग।
रिजवी जी का दो फंडे, वसीम रिजवी जी का दो काम है, क्योंकि वो पहली बात तो भाजपा और आरएसएस से मिले हुए हैं, उन्हीं के समझ लीजिए, मैं शुद्ध शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भाजपा और आरएसएस के दलाल हैं। तीसरी चीज, उन्होंने एक फिल्म बनाई है राम जन्मभूमि, ठीक है, उस फिल्म को वसीम रिजवी ने बनाई है, ये इसलिए मेरा विरोध नहीं है। उस फिल्म में जो दृश्य के साथ साथ जो उसकी पटकथा है, वो मुझे नहीं लगता कि इस समय चुनावी के माहौल में उस फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए। मेरा विरोध इसका है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इस फिल्म के साथ साथ एक फिल्म मोदी जी के ऊपर भी आ रही है, हम लोग उसका भी विरोध करेंगे और चुनाव आयोग से हम ये मांग रखेंगे कि इस चुनावी माहौल में उस फिल्म को भी रोक लगाई जाए, क्योंकि ये उचित नहीं है, ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। बात करिएगा।